प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह पुत्र और पिता का अटूट संबंध को हमारे सामने रख रहे हैं। ईसा मसीह कहते हैं, पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखा है। हम भाई बहनों, ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में पूरे के पूरा उसे ईश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हम जानते हैं कि ईसा मसीह का पूरे के पूरे इस मानव बन करके इस दुनिया में अवतार होने का या अवतरित होने का एक ही कारण था, वो प्रतिज्ञा को पूर्ति करना था। उन्होंने इस दुनिया में जिया, इस दुनिया में सभी लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए उसे स्वर्ग राज्य के उन्मुख किया, क्योंकि पिता उन्हीं से वही चाहता था। हर एक कार्य करने के पहले ईश्वर का इच्छा अपने जिंदगी में क्या है उसी को खोजते थे ईसा मसीह। इसलिए हम जानते हैं कि ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को प्रार्थना सिखाते समय उसे में एक वाक्य ऐसे जोड़ के रखते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। यही बात उन्होंने अपने जिंदगी में भी करके दिखाया है कि गस्तरने के बाग में अत्यंत पीड़ा में प्रार्थना करते समय भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, यही कहते हुए वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हम भाई बहन, अगर ईसा मसीह अपने आप को पिता के इच्छा के लिए समर्पित करते हुए हमें सिखाया है तो हमें दिखाया है तो हम भी उसी के अनुसरण करने वाला हर एक क्रिश्चियन ईश्वर के इच्छा हमारे जिंदगी में परिपूर्ण होने के लिए अपने आप को समर्थ बनाना है। आइए, जैसे ईसा मसीह पिता परमेश्वर से अपने संबंध बनाकर रखा उसी प्रकार उन्हीं का इच्छा का अनुरूप होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए हम भी ईश्वर का उसी ईसा मसीह का उत्तम शिष्य बनकर के अपने जिंदगी में आगे बढ़े। प्रभु कृष्ण अपनी आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करें। सब यीशु।